पूड़ियाँ तो सबने बनाई होगी, खाई भी होगी, लेकिन क्या आप मेरे तरीके से एक बार बनाकर देख सकते हैं कि आपको कैसी पूड़ियाँ लगती है? ये बहुत ही चाव से खाइएगा ये पूड़ियाँ। तो चलिए हम बनाते हैं। गेहूं का आटा हमने लिया है 1 kg, और इसके बाद हमने इसमें सबसे पहले डालेंगे मंगरेला अजवाइन, इसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर कस्तूरी मेथी, इसके बाद हम डालेंगे आप करुआ तेल, सरसों वाले तेल 1 बड़े चम्मच डालिएगा, इसके बाद हल्दी, चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डालकर हम अच्छी तरह से सबसे पहले आटे को मिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। आप इसमें सरसों वाले तेल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से अच्छे से जब हमारा आटा बिल्कुल ही मिल जाए, इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम गूँथ लेंगे अच्छे से। इसे हमें बिल्कुल भी ना ही कड़ा और ना ही गीला टाइप के हमें गूँथना है, ऐसे गूँथिए ताकि ये थोड़ा ना ही मुलायम ज़्यादा और ना ही ज़्यादा कड़ा, जो कि हाथों से बेले ही नहीं। तो इस तरह से रखिए, आपको रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे आधे घंटे के लिए आप ढक कर रख दीजिएगा। ढकने के बाद ये आटा इतने अच्छे से मुलायम हो जाता है, जब आप बनाइएगा तो इतने अच्छे खिलकर पूड़ियाँ बनती है ना, एक भी बिना फूले नहीं रहेगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये पूड़ियाँ स्वादिष्ट इतने कि पूछिए मत, बहुत चाव से खाएंगे आपके बच्चे और सभी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लोई को निकाल लूँगी, और इसके बाद हम लोई को हाथों से इस तरह से मसल कर हमें शेप दे देना है गोल का, थोड़ा सा हमें हटा लेना है, इतनी कि बड़े मोटे मोटे पूड़ियाँ नहीं बेलना है हमें, ना ही बड़ी पूड़ियाँ बेलना है। तो इस तरह से लोई को आटे में मिलाकर इस तरह से हमने एक पूड़ी तैयार कर लिया है। दो तरह की पूड़ियाँ बनाऊँगी, जिससे आपके तेल जो है, ये जो पहला वाला मैंने पूड़ी बनाया है आटे में थोड़ा सा लेकर ना, उसमें तो तेल आपके गंदे हो जाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से तेल में आप डुबा कर लोई को बेल लेंगे, बिना आटे का उपयोग करके हम बेलेंगे ना, तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा आपका कि तेल जो है आपके गंदे नहीं होंगे और फिर से यूज़ में आ जाएंगे, ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। अगर आप बर्तन में बेलना चाहें तो उसमें भी अच्छे अच्छे पूड़ियाँ फूलती है, बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन आप चाहें तो आप तेल में डुबो कर भी पूड़ियाँ बेल कर बना सकते हैं, इससे थोड़ा सा आपका गंदे नहीं होंगे तेल। तो यहाँ पर हमारे जो पूड़ियाँ तैयार कर लिया है, थोड़ा सा मैंने डालकर देख लिया, गरम हो चुके हैं हमारे तेल, इसमें पूड़ियाँ हमने डालूंगी इस तरह से, और डालने के बाद हमारा जो पूड़ियाँ हैं अच्छे से फूल जाएंगी। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से खर खर हमारे ये पूड़ियाँ तैयार हो गई है। इसी तरह बाकी जो पूड़ियाँ हैं सभी को तैयार कर लेंगे फटाफट। तो इस तरह से आप पूड़ियाँ बनाइए, बहुत ही अच्छी लगेंगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगी, पूड़ियों में जब आप नमक डालेंगे ना, तो ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, स्वाद अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर ख़राब लगने लगेगी पूड़ी। तो यहाँ पर पूड़ियाँ हमारे गर्मा गर्म तैयार हो गए हैं, इसे आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर परोसा है पूड़ियों के साथ छोले, दही, आम और सलाद। तो आप भी खाइए, ऐसी पूड़ियाँ बनाइए और खाइए। आप यकीन मानिए, आप अकेले पूड़ियाँ ही बहुत सारे खा जाइएगा। तो ट्राई कीजिए। बाय, गुड डे।